हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6071 से लेके 6079 तक के जो पैरामीटर है इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 पैरामीटर में 6 लिखा है, तो इस पैरामीटर के अंडर में आप कोई भी एम कोड बना सकते हैं, आपका खुद का एम कोड। ओके, यहाँ पे अभी 6 लिखा है, तो ये मशीन टूल बिल्डर ने 6 लिखा है और इस एम कोड को क्रिएट किया है। यहाँ पे 00 लिखे हैं, तो ये कोड आप बना सकते हैं इजीली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 9001, ये 60716 मतलब M6 कोड हो गया, इसका प्रोग्राम 9001 में लिखा गया है। तो ये इस तरीके से 9002, 9003, 9004, 9005, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 प्रोग्राम, 9 एम कोड आप बना सकते हैं। तो मशीन टूल बिल्डर ने यहाँ पे 6 लिखा है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम मशीन टूल बिल्डर ने बनाया है, तो ये प्रोग्राम मैंने बनाए थे। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 607 में आप 9001 में जाइए, मैंने यहाँ पे 9001 प्रोग्राम ओपन किया है, तो ये टूल चेंज का प्रोग्राम मशीन टूल बिल्डर ने यहाँ पे सेव करके रखा है। ओके, 9001, तो आप यहाँ पे जो भी कोड सेट करेंगे M6, ठीक है, तो जब आप M6 कॉल करेंगे तो आपका 9001 का प्रोग्राम कॉल होगा, और जो भी 9001 में लिखा है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जैसे कि आप टूल चेंज करते, मैं आपको टूल चेंज करके बताता हूँ, कोई भी एक M06T02 एंड ब्लॉक इंसर्ट। ओके, तो मैं इसे कॉल करता हूँ सिंगल ब्लॉक मोड में, आप देख पाएंगे इजीली। ओके, ये देखिए 9001 का प्रोग्राम ओपन हो गया और ये कॉल हो गया। आप देख सकते हैं कि 9001 प्रोग्राम रन हो गया। तो इससे अगर मैंने यहाँ पे M6 की जगह 1 डाल दिया, तो ये M01 कोड कंसीडर करेगा उसी प्रोग्राम को, 9001 को, मतलब आपका जो टूल चेंज कमांड की साइकिल है या प्रोग्राम है उसे ये M01 मान के चलेगा, मतलब मशीन टूल बिल्डर का कोड ये नहीं लेगा। सो एम कोड यूज़ करते समय जो भी कोड है M03, 04, 05, जो रेगुलर कोड है उनका इस्तेमाल मत कीजिए। जो कोड अवेलेबल है मशीन में, जो यूज़ नहीं होते कहीं पे, उसी को यूज़ करिए। अगर आपने M03 यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो आपका स्पिंडल स्टार्ट होने की वजह यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है 9001 में वो चालू हो जाएगा और आपका मशीन डैश हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा रिस्की काम है, तो थोड़ा आराम से काम कीजिए। तो इस तरीके से आप 9 एम कोड यहाँ पे बना सकते हैं इजीली। देख सकते हैं, आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली और ये कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा शायद एम कोड, आप खुद के एम कोड कैसे बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.